जहां दुनिया भर में आज भी कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वहीं एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है। इस वायरस का नाम है मारबर्ग वायरस। आपको बता दें, इस वायरस को अफ्रीका के घाना में पाया गया है। यहाँ मारबर्ग वायरस के दो मामले सामने आए हैं, जिनकी घाना हेल्थ सर्विस द्वारा पुष्टि कर दी गई है। वहीं इनसे कॉन्टैक्ट में आए 98 लोगों को क्वारंटीन भी कर दिया गया है। इससे पहले पिछले साल यानी 2021 में भी इस संक्रमण का एक केस मिला था, मगर इसके पांचवें हफ्ते के बाद इसका और कोई केस सामने नहीं आया था। आपको बता दें, साल 1967 में जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट में सबसे पहले इस वायरस को डिटेक्ट किया गया था। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि मारबर्ग वायरस आखिर है क्या। मारबर्ग वायरस भी इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। जैसे चमगादड़ इत्यादि संक्रमित जानवर से मनुष्य इस वायरस की चपेट में आ सकता है, और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस तेजी से फैलने लग जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वायरस इबोला और कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, और इसका कोई इलाज और वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। मारबर्ग वायरस से संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार, ठंड लगना और सरदर्द की शिकायत होती है। वहीं बॉडी के बाहरी या अंदरूनी हिस्से में ब्लीडिंग भी हो सकती है। बात अगर इसकी ट्रीटमेंट की करी जाए, तो जानकारों के अनुसार जो व्यक्ति मारबर्ग वायरस से पीड़ित है, उन्हें लिक्विड डाइट पर रहने की सलाह दी जाती है। वहीं ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर की स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए और खून की कमी ना होने देने की भी सलाह दी जाती है। उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। वहीं WHO ने ये चेतावनी जाहिर की है कि अगर मारबर्ग वायरस को लेकर तुरंत सावधानियां नहीं बरती गईं, तो इस वायरस के फैलने पर हालत बेकाबू हो सकते हैं। और अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे और भी न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल india.com को सब्सक्राइब जरूर करें।